फर्स्ट बंदा है। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा चैनल अभी तक उतना अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है। नए वीडियो में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने फ्रेंड दिनेश लकड़ा से मिलने जा रहा हूँ, जिसका एक यूट्यूब चैनल है दिनेश लकड़ा ब्लॉग्स बोल के। तो चलिए मिलते हैं उनसे। मैं रास्ते में हूँ, भूख लग रहा है तो सोच रहा हूँ कुछ खा के जाऊँ। तो मेरे पीछे एक ठेला लगा हुआ है, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। ठेले में पूछते हैं प्राइस कैसे कैसे लगा रहे हैं। चाट्स अवेलेबल है, गुपचुप है, गोलगप्पे। तो पूछते हैं भैया से, भैया कैसे कैसे दे रहे हैं चाट? चाट 20 का प्लेट। 20 का प्लेट है तो लगाइए एक प्लेट। डेली लगाते हैं यहाँ? कितना बजे से कितना बजे तक? 11 से 8 बजे तक। तो देख रहे हैं खाने में बहुत डिलीशियस दिख रहा है, तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताया था कि मैं अपना फ्रेंड दिनेश से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी एक ब्लॉगिंग चैनल बनाना है और मुझे भी एक ब्लॉग करना है। तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ उनका क्वार्टर जहाँ रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं दिनेश भाई से, और जो जो हम लोग के बीच में डिस्कशन हुआ, जो जो मेरे को बताए वो सब बताएँगे। मुझे बहुत खुश लगा रियली यहाँ आके, और मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो मैं उनसे धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, और उनको आपके बीच में बुलाता हूँ। प्लीज भाई। हे गाइस, हेलो। तो फिर से आप सबका स्वागत करते हैं भाई जॉनसन एस जॉनसन ब्लॉग्स चैनल में। तो गाइस, भाई मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट बंदा है। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा चैनल अभी तक उतना अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है। फिर भी मेरे वीडियोज़ देख करके भाई को कुछ इंस्पिरेशन मिला और मेरे पास मिलने के लिए आए हैं। तो ये इनका कहना था कि वो भी एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसके लिए मतलब एक चैनल क्रिएट करने के लिए एक बेसिक नॉलेज का ज़रूरत होता है। लेकिन फिर भी से इनको पता था, फिर भी मेरे पास आए। बहुत सारी चीज़ें मैं इनको बताया, जैसे चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, चैनल कैसे वेरीफाई करते हैं, वो सारी चीज़ें बताया मैं। और फिर एक ब्लॉगिंग चैनल के लिए नॉर्मल से चीज़ें, जैसे ट्राइपॉड की ज़रूरत होता है, सेल्फी स्टिक की ज़रूरत होता है, तो इन सारी चीज़ें मैं इनको बताया कि कहाँ से मैं परचेस किया था। ये सारे चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, और भाई को भी मैं बताया हूँ कि कहाँ से परचेस कर सकते हो। तो गाइस, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से जाकर के खरीद सकते हैं। और मेरा चैनल जैसे है दिनेश लकड़ा ब्लॉग चैनल है, वहाँ जा करके आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप भी एक न्यू ब्लॉगर बनना चाहते हैं, एक अपकमिंग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो वहाँ से आप जाकर के खरीद सकते हैं। तो गाइस, एक ब्लॉगर बनना मतलब इजी तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, डेली अपडेट होना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप खुद का कमाएं, या फिर आप खुद का अर्निंग करना चाहते हैं, एक पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, तो YouTube सबसे बेस्ट है। मैं बताना चाहता हूँ, YouTube पे अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, एक फ्री कंटेंट मिल जाता है आपको, कि कहीं आपको प्रिपेयर होना नहीं पड़ता है, एक फ्री कंटेंट मिल जाता है। आप कहीं भी जाते हैं, एक नॉर्मल से वीडियो बना सकते हैं। वहाँ पर वीडियो बनाइए, नॉर्मल से वीडियो करके आप काइन मास्टर में जा करके नॉर्मल वीडियो एडिट करके आप अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो गाइस, इतना अच्छा मौका, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो भाई मेरे को पहले ही कॉल करके पूछे कि आप कैसे करते हैं, तो मैं सारी चीज़ें इनको बताया और मेरे पास आया। मेरे को बहुत खुशी हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे पास एक बंदा जो आया है, मेरा दोस्त जो है, मेरे पास आया है। तो गाइस, अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट्स में आप एक यूट्यूबर बन सकते हो, सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो। लेकिन पहला में ये होता है कि मेहनत करना पड़ता है भाई। मेरा चैनल ग्रोथ होने में मेरे को 3 महीने का समय लगा, और 3 महीने के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और अभी मेरा खर्चा जो होता है निकल जाता है। तो मुझे बहुत खुशी लगता है। मैं सिर्फ डेली वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अभी मेरे एग्ज़ाम है, इस वजह से डेली अपडेट नहीं हो पा रहा हूँ। तो गाइस, यही था आज का हमारा डिस्कशन। में सारी चीज़ें भाई को बता दिया, और आप सबको भी बताया कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल बना करके अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच भाई, मुझे इतना सारा बात बताने के लिए,
जो मैं नहीं जानता था वो सारे चीज़ मेरे को सीखने के लिए मिला, और आज मैं बहुत खुश हूँ भाई से मिलके। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी एंड आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी सो दैट आई कैन ग्रो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बिल्कुल 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 सपोर्ट करिए। थैंक यू। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा भाई लोग, आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को आगे चल ले सकते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं इस तरह से और नए वीडियो में।